अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कयूम खान और आप देख रहे हैं कयूम परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ज़ैन की सिम से पाकिस्तान आप किस तरह से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ। दो तरीके हैं दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी मोबाइल नंबर पर अगर आप इंटरनेट पैकेज सऊदी अरब में बैठ के लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़ैन की सिम से पाकिस्तान किसी भी नेटवर्क पर, वो यूफोन है, टेलीनार है, जोंग है, वारद है, किसी भी सिम पे अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप न्यू आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, अभी मैं आपको बैलेंस, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस चेक करा लेता हूँ कि मेरे पास कितना बैलेंस है, वो आप जो देख लें, उसके बाद मैं सेंड करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ज़ैन की सिम है, मैं आपको ज़ैन का तरीका बताने वाला हूँ। या *1#, उसके बाद मैं इसे चेक करता हूँ बैलेंस को। ये देखिए, एक मेरे पास STC की सिम है और दूसरी ज़ैन की है। ज़ैन पर बैलेंस चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास कितना बैलेंस है इस वक्त। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, मेरे पास 24 रियाल है मेरे मोबाइल में इस वक्त। ठीक है, 24 रियाल मेरे पास खड़े हैं। अभी मैं अपने भाई को सेंड करता हूं बैलेंस पाकिस्तान। अभी मैं अपने भाई को पाकिस्तान बैलेंस सेंड करने वाला हूं। आपने सबसे पहले लिखना है *, उसके बाद लिखना है आपने 111। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा ** लिखना है। उसके बाद आप अपना नंबर लिख दें, जो आपका पाकिस्तान का नंबर है जिस पे आप बैलेंस भेजना चाहते हैं वो वाला नंबर आप इधर लिख दें। ठीक है, 00 आप पाकिस्तानी कंट्री कोड साथ में लिख दें तो बेहतर है, नहीं लिखे तो बैलेंस जाता है आपका, मुश्किल नहीं है। अभी मेरे भाई का नंबर है वो मैं लिखता हूँ इधर। ये उसका मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आपने नंबर दोबारा देख लेना है, कहीं आप गलती ना करें क्योंकि आप बैलेंस भेजने वाले हैं। और इसका नंबर लिखने के बाद, उसके बाद आपने दोबारा ** लगाना इधर। ठीक है, ** लिखने के बाद उसके बाद आप इधर बैलेंस लिख सकते हैं, आप जितना भेजना चाहते हैं पाकिस्तान। कम से कम आप 6 रियाल भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जितना भेजना चाहें, 20, 30, 40, 100, आप जितना भेजना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप भेज सकते हैं 6 रियाल। मैं अभी अपने भाई को आपको तरीका बताने के लिए सिर्फ 6 रियाल भेज रहा हूँ। ये देखिए, मैं 6 रियाल लिख दिया, उसके बाद आपने #* लिख देना है। ठीक है, ये लिख देना है, उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है नीचे। अब ये देखें, दो सिमें शो हो रही हैं, हम ज़ैन से बैलेंस भेज रहे हैं। ज़ैन पर मैं क्लिक करता हूँ दूसरे नंबर पर। अभी आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा, वो आप देख सकते हैं कि क्या शो होता है। ये देखें बाकी दोस्तों, ये मेरे भाई का नंबर है, पर 6 रियाल भेजने के लिए 1 दबाएं, फ़ोन में 141 रियाल पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो 2 पे 2 लिखें, अगर आप भेजना चाहते हैं तो 1 को दबाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। अभी हम 1 लिखते हैं और कंफर्म करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 लिख दिया। अभी मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे भाई को बैलेंस जा रहा है पाकिस्तान, उसको 141 रुपया मिलेगा पाकिस्तान का। ये देखिए, मैं इसे सेंड करता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया। हम आपकी दरख्वास्त पर अमल करके तस्दीक की SMS अरसल करेंगे, हमको मैसेज मिल जाएगा। अभी देखें, ये मैसेज भी आ गया हमारे पास। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। ये देखें मैसेज, 141 रियाल अरसल कर चुके हैं, डेटा और बंडल भेजने के लिए 134 डायल करें। दोस्तों ये बैलेंस मेरा पहुंच गया है। अभी मैं आपको दोबारा अपने सिम का बैलेंस चेक कराता हूं। 6 रियाल हमने भेजे हैं पाकिस्तान और मेरे भाई के मोबाइल में गए हैं 141 रुपया पाकिस्तानी। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मेरे पास कितना बैलेंस बाकी है। मेरे पास 24 रियाल थे, अभी दोबारा चेक करते हैं कितने हैं। अभी
अभी मैं आपको चेक करा लेता हूँ। इधर से जैन पे क्लिक करते हैं, ये देखें दोस्तों, पहले मैंने चेक किया मेरे पास 24 रियाल थे, अभी 18 रियाल बाकी हैं। 6 रियाल मैंने अपने भाई को पाकिस्तान भेज दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।